टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद घर बैठे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें रेंज ऑफ मोशन के लिए, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो, टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद इनिशियल 2 वीक्स में आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस पर खासकर ध्यान देना पड़ता है, जो कि एक्सरसाइजेस इंक्लूड करती हैं आपके घुटने को मोड़ना और आपके घुटने को सीधा रखना, यानी कि नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन रेंज। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कर सकते हैं नी बेंडिंग और एक्सटेंशन रेंज को इम्प्रूव करने के लिए और सही करने के लिए, आज की इस वीडियो में वो देखने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। सो फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज नी बेंडिंग इनिशिएट करने के लिए आप हाई सिटिंग में नी बेंडिंग स्टार्ट करेंगे। आपको लेग को आउट ऑफ द बेड ऐसे लेकर आना है, एज ऑफ द बेड लेकर आना है, नी को एज ऑफ द बेड पे रखेंगे, हैंड सपोर्टेड टू द एज ऑफ द बेड। ये आपका नॉन ऑपरेटेड लेग है, ऑपरेटेड लेग का जो हील है उसको नॉन ऑपरेटेड लेग के टो से सपोर्टेड रखेंगे और इस पोजिशन में नी बेंडिंग स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे लेग को नीचे की तरफ ड्रॉप होने देंगे विथ सपोर्ट ऑफ द नॉन ऑपरेटेड लेग, नीचे लेके जाइए जितना पॉसिबल है और धीरे धीरे वापस ऊपर लेकर आइए, ऊपर लेकर आइए, कीप योर लेग स्ट्रेट, डू इट अगेन। इस तरीके से आप नी बेंडिंग इनिशिएट करेंगे 10 repetition 2 sets 2 hourly, दिन में हर 2 घंटे में ऐसे हम जो है नी बेंडिंग हाई सिटिंग में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सेकेंड एक्सरसाइज करने के लिए जो वॉल स्लाइड नी बेंडिंग करने के लिए आपको इस पोजीशन में रहना है, आपको अपने दोनों पैर को ऐसे वॉल पे रखना है, स्लाइड होके हिप को वॉल के नज़दीक लेकर आना है, जितना पॉसिबल हो सकता है आपको दीवार के नज़दीक आना है। सो आपका जो ऑपरेटेड लेग है उसको सपोर्ट करना है विद योर नॉन ऑपरेटेड लेग। इस पोजीशन में आपको हील स्लाइड करना है, लेकर आइए नीचे, स्लाइड योर हील ऑन द वॉल और धीरे धीरे नीचे लेकर आना है, थोड़ा फास्ट। और लेग को स्ट्रेट करेंगे, पुश करेंगे जितना पॉसिबल हो पाएगा और फिर वापस से ऊपर की तरफ सपोर्टेड, डू इट अगेन, वापस से कीजिए। सो वॉल स्लाइड नी बेंडिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं 10 repetition 2 sets 2 hourly, दिन में हर 2 घंटे में करेंगे वॉल स्लाइड। सो फॉर द थर्ड एक्सरसाइज यू कैन स्टार्ट इन सुपाइन लाइंग पोजिशन हिल स्लाइड करते हुए जितना पॉसिबल होगा, हिल स्लाइड थोड़ा फास्ट, हिल स्लाइड, लेग स्ट्रेट, जितना पॉसिबल होगा आपको हिल स्लाइड करते हुए इस तरीके से नी बेंडिंग करना है 10 into 2 10 repetition 2 sets हर 2 घंटे में। नी बेंडिंग को और प्रोग्रेस करने के लिए आप किसी भी स्ट्रैप का और किसी भी फैब्रिक का सपोर्ट ले सकते हैं, रिलैक्स। सो हील स्लाइड को प्रोग्रेस करने के लिए आप इस तरीके से स्ट्रैप या टाल रोल टाल यूज़ कर सकते हैं और हाथ से खींचते हुए जितना पॉसिबल है नी बेंडिंग को प्रोग्रेस करेंगे, खींचिए खींचिए और खींचिए और खींचिए और हील स्लाइड करके पैर को सीधा करेंगे, स्ट्रेटन योर लेग, सो इन 3 तरीकों से आप नी बेंडिंग रेंज ऑफ मोशन को, नी बेंडिंग और अपने फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा सकते हैं नी रिप्लेसमेंट होने के बाद। सो एक्सटेंशन रेंज को और लेग को स्ट्रेट रखने के लिए जो एक्सरसाइजेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे हील प्रॉप। इसमें आपको एक बोलस्टर या फोल्डेड पिलो लेना है और प्लेस करना है जस्ट बिलो योर हील। इस पोजिशन में नी को रिलैक्स एंड स्ट्रेट रखना है और आपको वेट लेना है जस्ट अबव योर नी और जस्ट बिलो योर नी। इस तरीके से आप 4 to 6 kg वेट डाल सकते हैं नी पर और 5 to 7 minutes के लिए इस पोजीशन में रहना है और दिन में हर 2 घंटे में करना है एटलीस्ट 5 times a day हील प्रॉप। ओके, सो सेकेंड एक्सरसाइज लेग को स्ट्रेट करने के लिए और हाइपर एक्सटेंशन के लिए आप जो कर सकते हैं, आपको एक स्ट्रैप लेना है और कोई भी टॉवल ले सकते हो और चुन्नी ले सकते हो, कोई भी फैब्रिक, लॉन्ग पीस ऑफ फैब्रिक ले सकते हो, जस्ट अराउंड योर फीट ऐसे रैप करना है, हाथ से पकड़ना है आपको, रैप जस्ट अराउंड योर हैंड्स, नी को नीचे प्रेस करते हुए घुटने को नीचे दबाना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है, पीछे एक स्ट्रेच फील होगा, हील अप रहेगा, नी प्रेस डाउन रहेगा। इस पोजीशन को होल्ड करना है 30 seconds होल्ड, 5 repetition 2 sets आप करेंगे हर 2 घंटे में एटलीस्ट 5 times a day। नी रिप्लेसमेंट या नी पेन से रिलेटेड आपकी कोई और भी क्वेरीज हैं तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।